हेलो एंड वेलकम टू ट्रू एस्पिरेंट्स। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे काट्सा लॉ के बारे में। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि काट्सा लॉ जो है वो होता क्या है। तो ये जो लॉ है ये 2017 में लेकर आया गया था जब डोनाल्ड ट्रंप इस अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, यानी कि जो भी अमेरिका के एडवर्सरी हैं, मतलब जो अमेरिका के दोस्त नहीं हैं, फ्रेंड्स नहीं हैं, उनके ऊपर अमेरिका सैंक्शंस लगाएगा। तो 2017 में इस एक्ट को लेकर आया गया था और स्पेसिफिकली तीन कंट्रीज़ को टारगेट करा गया है इस एक्ट के अंदर। और वो जो तीन कंट्रीज़ हैं वो है ईरान, नॉर्थ कोरिया, रशिया, राइट। तो ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान रखनी है कि अब हम काट्सा के बारे में बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो रिसेंटली एक यूएस डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव रो खन्ना ने क्या बोला कि इंडिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाने चाहिए अमेरिका के द्वारा, क्योंकि इंडिया S-400 मिसाइल सिस्टम को खरीद रहा है रशिया से, जो कि कुछ $5 बिलियन से भी ज़्यादा का मिसाइल सिस्टम है। अब आपको ये समझना है कि ये इंडिया के ऊपर सैंक्शंस के बारे में बात कहाँ से आ गई। अब इस बात को समझते हैं। देखो, डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो वो चाहते थे कि इंडिया हो या फिर कोई भी कंट्री हो, वो इन तीनों कंट्री के साथ में अपना रिलेशनशिप जो है वो बहुत रिजर्व रखे। दो से तीन चीज़ें जो हैं वो स्पेसिफिकली काट्सा में बोला गया है कि एनर्जी में और डिफेंस में अगर आप इन तीन कंट्री के साथ में ट्रेड करते हो, रशिया, देन वी हैव ईरान एंड देन वी हैव नॉर्थ कोरिया। तो एनर्जी एंड डिफेंस, तो सपोज वी बाय क्रूड ऑयल फ्रॉम ईरान, तो यहाँ पर हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे क्योंकि ईरान उस पैसे से क्या कर रहा है, न्यूक्लियर मिसाइल को बना रहा है। सिमिलरली रशिया क्या कर रहा है, वॉर फंड कर रहा है, वॉर अपना यूक्रेन में फंड कर रहा है। तो 2017 में भी उनको ये था कि रशिया जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि वो चाइना को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो रिसेंटली डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव ने ये बोला कि भाई इंडिया के ऊपर हमें ये नहीं लगाना चाहिए। अब इंडिया के ऊपर क्यों लगाने की बात करी जा रही है, क्योंकि इंडिया ने एक डिफेंस डील साइन कर रखी है रशिया के साथ में, और वो जो डिफेंस डील है वो है S-400 मिसाइल सिस्टम की। ये जो S-400 मिसाइल सिस्टम है ये पंजाब और दिल्ली में लगाया जाएगा, जिससे कि हम जो है अपने हमारे देश पर होने वाले एरियल हमलों के ऊपर हम उनको काउंटर कर सकते हैं। तो मतलब आप समझ सकते हो कि ये एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, एंटी मिसाइल सिस्टम है। मतलब क्या होगा कि अगर हमारी कंट्री के ऊपर कोई मिसाइल फायर कर देता है तो ये S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो है वो उस मिसाइल को इंटरसेप्ट करेगा, मतलब उसको हवा में ही फोड़ देगा, उस मिसाइल को हवा में ही फोड़ देगा। अब इसकी रेंज क्या है, ये 400 किलोमीटर डिस्टेंस तक जो है वो कवर कर सकता है, और 30 किलोमीटर डिस्टेंस ये एल्टीट्यूड में कवर कर सकता है, मतलब 30 किलोमीटर ऊपर जाकर भी फोड़ सकता है। तो ये इसके यहाँ पर कुछ खास बात है। देन इसके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ US फेडरल लॉ, तो ये US का फेडरल लॉ है, काट्सा के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, विच वॉज इनैक्टेड इन 2017। एंड यहाँ पर प्रेजिडेंट को पावर दी गई है टू इम्पोज एटलीस्ट 5 ऑफ दी 12 लिस्टेड सैंक्शंस। तो मतलब अगर कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन हुई भी है रशिया के डिफेंस और इंटेलिजेंस सेक्टर के साथ में, तो यहाँ पर आपके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। इसका अल्टीमेट फ्लो गोल क्या है कि रशियन गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि इंडिया $5.5 बिलियन का ये उन्होंने मिसाइल सिस्टम खरीदा है। देन बिसाइड्स रशिया, ये ईरान और नॉर्थ कोरिया पे भी एनफोर्स होता है। तो अगर हम यहाँ पर ईरान से क्रूड ऑयल ख़रीदते हैं तो यहाँ उसके ऊपर भी ये सैंक्शन आएगा। ये तीन लीडर हैं, अयोतल्ला खामिनी, किम ऑन जूंग और व्लादिमिर पुतिन, राइट। अयोतल्ला खामिनी ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड रशिया के प्रेसिडेंट यहाँ पर व्लादिमिर पुतिन। तो इन तीनों कंट्रीज़ के साथ में अगर हम डिफेंस,
या फिर एनर्जी के साथ में ट्रेड करेंगे तो ये होगा। अब किस किस तरीके के सैंक्शन से ये देख लेते हैं, तो 12 तरीके के सैंक्शंस हैं, लेकिन दो ही तरीके के ऐसे सैंक्शंस होंगे जो इंडिया और यूएस के रिलेशंस को इम्पैक्ट करेंगे। सबसे पहला है बैंकिंग, प्रोहिबिशन ऑफ बैंकिंग। तो मतलब क्या होगा कि जितने भी इंडिया और यूएस के बीच में बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगी, इसके ऊपर सैंक्शंस लग जाएगा। देन होगा एक्सपोर्ट सैंक्शंस। एक्सपोर्ट सैंक्शन का मतलब है हम कोई भी प्रोडक्ट अपना अमेरिका में यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इंडिया जो है वो ट्रेड सरप्लस में रहता है अमेरिका के साथ में हमेशा से, क्योंकि इंडिया जो है वो बहुत प्रोडक्ट बेचता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है या बाकी सारी चीज़ें हैं, इंडिया अमेरिका में बहुत प्रोडक्ट्स बेचता है। तो एक्सपोर्ट सैंक्शंस क्या हैं, जो यूएस के और इंडिया के बहुत स्ट्रेटेजिक ट्रेड रिलेशंस हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा आने वाला है, राइट। तो अभी बहुत से लोगों ने यही बोला है कि मे बी इंडिया को वेवर मिलेगा, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो आपको समझनी चाहिए कि जो वेवर का क्राइटेरिया है, वो वेवर का क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट दे सकते हैं। मतलब यूएस प्रेसिडेंट वॉज गिवन द अथॉरिटी इन 2018 टू वेव काट्सा, बट इट इज़ ऑन अ केस बाय केस बेसिस। अब आप बोलोगे कि क्या यूएस का ये लॉ सिर्फ नाम के ऊपर है कि खाली हम लॉ लेकर आए हैं पर सैंक्शन नहीं लगाया। जब 2019 और 20 में टर्की ने भी सेम डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदा रशिया से, S-400, तो आपको क्या नज़र आया कि अमेरिका ने टर्की के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जो काट्सा के अंडर लागू होते हैं। तो ये चीज़ जो है वो आपको ध्यान रखनी है। ओके क्लास, आई होप मेरा पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो गया हो। दिस इज़ दी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिससे कि UPSC क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई हो, क्योंकि US जो है वो S-400 मिसाइल सिस्टम को लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहा है रशिया को, बाकी को। अब आप बोलोगे कि इंडिया के लिए क्यों ये सिग्निफिकेंट है, क्योंकि 2015 में भी चाइना ने इस S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को रशिया से ख़रीदा था। तो इंडिया जो है वो एक इक्वालिटी पे और पैरिटी पे रहना चाहता है, मतलब अगर लड़ाई होगी तो फिर वो बराबरी पे होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए कि चाइना के ऊपर बेहतर हथियार हों। तो हमारे पास भी अगर बेहतर हथियार होंगे तो हमें भी जो है वो आगे जाकर कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर हम किसी टू फ्रंट वॉर पे आ जाते हैं तो, राइट। देन आप UPSC इसमें क्या पूछेगा आपसे, 2018 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में UPSC ने क्वेश्चन पूछा था, जब अमेरिका साउथ कोरिया को एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्सपोर्ट कर रहा था, उस एक्सपोर्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नाम है थार्ड, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड डिफेंस सिस्टम। अब आपको यहाँ पर और क्या समझना है, जब उन्होंने पूछा द टर्म रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ थार्ड, ये क्या मतलब है इसका, तो उन्होंने चार ऑप्शंस दिए। तो शायद आपसे भी पूछ लिया जाए कि S-400 क्या चीज़ है, काट्सा लॉ क्या चीज़ है, इन सारी चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना, राइट। नाउ थोड़ा बहुत हम S-400 मिसाइल सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। इट इज़ अ मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम विच इज़ डिज़ाइंड बाय रशिया, राइट। और आपको क्या समझना है कि द सिस्टम कैन एंगेज ऑल टाइप ऑफ एरियल टारगेट, मतलब क्या है कि अगर कोई भी एरियल टारगेट है, जैसे अगर मिसाइल है, एयरक्राफ्ट है, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल है, अगर वो 400 किलोमीटर की रेंज में है और 30 किलोमीटर तक की उसकी हाइट है, तो S-400 मिसाइल सिस्टम जो है वो उसको पूरा वैनक्विश कर देगा, ख़त्म कर देगा, राइट। अब आपको और क्या समझना है कि इंडिया और US का डिफेंस कोऑपरेशन, इंडिया जो है वो US का एक मेजर डिफेंस पार्टनर बना 2016 में, एंड हमें और क्या चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे, हमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि इंडिया ने न्यू फ्रेमवर्क भी जो है वो US के साथ में डिफेंस को लेकर एक एग्रीमेंट साइन करा 2005 में, विच वॉज फर्दर अपडेटेड फॉर 10 ईयर्स इन 2015। तो 2025 तक हमारे पास एग्रीमेंट साइन है। देन हमें क्वाड में भी क्या नज़र आया कि इंडिया, US, जापान और ऑस्ट्रेलिया जो है वो यहाँ पर इंडियन ओशन को स्ट्रेटिजिकली प्रोटेक्ट करना चाहते हैं चाइना के एक्सपेंशन पॉलिसी से, राइट। चाइना की बहुत एक्सपेंसिव पॉलिसी है, वो नहीं चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ पर वो हो, हमारे यहाँ पर जो हमें अक्सर देखने को मिलता है कि चाइना इधर उधर हाथ मारने की कोशिश कर रहा है, तो
ये चीज़ हम इंडियन ओशन में नहीं देखना चाहते हैं चाइना के लिए, तो इसलिए क्वाड को लेकर आया गया। तो यही कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वाड हो गया, डिफेंस और यूएस और इंडिया का डिफेंस कोऑपरेशन हो गया। देन हमें ये भी नज़र आया कि भाई क्या हमारा काट्सा लॉ है और क्या चीज़ें जो हैं वो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।